हेलो फ्रेंड आज हम तीन नंबर की एफोरिज्म देखेंगे बट जो वो तीन नंबर की एफोरिज्म है वो वैसे बहुत बड़ी है तो मैं उसको पढ़ती जाऊंगी और साथ में ही उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन हम करते जाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव वॉट इज़ टू बी क्योर इन डिसीज दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिक्यूशन इफ़ यू क्लियरली परसिव वॉट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन मीन्स नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर सो फ्रेंड्स इसमें आ, बोला बोलने चाह रहे हैं हमारे मास्टर कि फिजिशियन को वो क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें डिसीज में क्या क्योर करना है राइट इन एवरी इंडिविजुअल केस हमें नॉलेज ऑफ डिसीज होनी चाहिए राइट एंड सेकेंडरी वॉट इज़ क्यूरेटिव इन मेडिसिन मीन्स हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर किस मेडिसिन में क्या पावर है वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए and if he knows how to adapt according to clearly defined principle what is curative in medicine to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensure to adapt it is well in respect to the suitable of the medicine मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम चॉइस ऑफ द रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से मेडिसिन चूज करनी है राइट right? उसको चॉइस ऑफ रेमेडी पता होनी चाहिए एज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिप्रेशन एंड क्वान्टिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड लाइक प्रॉपर डोज फिजिशियन को उसका प्रॉपर डोज भी पता होना चाहिए वो कैसे बनी है उसमें हमें कितनी मात्रा में उसको रिपीट करना है उसका नॉलेज भी होना चाहिए एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टिकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव दम फिजिशियन को उसके जो भी ऑब्स्टिकल है जो रिकवरी में आ रहे हैं उसके बारे में भी पता होने पता होना चाहिए राइट सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट ये सब पता होगा तो ही रिस्टोरेशन परमानेंट हो सकता है धैन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रैसनली एंड ही इज अ ट्रू प्रैक्टिसनर ऑफ द हिलिंग आर अगर उसको ये सब पता है तभी वो प्रैक्टिसनर ट्रू प्रैक्टिसनर बन पाएगा इन शॉर्ट हम इतना इन एफोरिज्म में मास्टर ये कहना चाहते हैं कि फिजिशियन को नॉलेज ऑफ डिसीज होना चाहिए नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए चॉइस ऑफ रेमेडी उसको आनी चाहिए रेमेडी का प्रॉपर डोज पता होना चाहिए नॉलेज ऑफ रिपीटेशन होना चाहिए नॉलेज ऑफ टू रिकोगनाइज़ ऑब्स्टिकल्स एंड हाउ टू रिमूव इट वो भी उसको पता होना चाहिए थैंक यू फॉर एंड फॉर वॉचिंग